इन सब घटनाओं को देख करके ये कहा जाता है कि पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं और व्यक्ति जो भी परिश्रम करेगा उसका फल उसे अवश्य समय रहते प्राप्त होगा। जो सपना था डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का, आज उसी सपने को साकार करने की एक नई कार्रवाई प्रारंभ हुई है। हम सब दल अलग अलग भले ही हो सकते हैं, लेकिन मिशन एक है, लक्ष्य सबका एक है, और वह है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव के साथ हम सबको आगे बढ़कर के मां भारती की सुरक्षा करने के लिए सबको आगे बढ़कर के कार्य करना होगा। मां भारती की रक्षा तब हो पाएगी जब सामाजिक भेदभाव समाप्त होगा, आर्थिक भेदभाव समाप्त होगा और शैक्षिक भेदभाव भी समाप्त होगा। इन सभी को समाप्त करने के लिए हम सब पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जो सपना देखा था, जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर के वे उत्तर प्रदेश के अंदर गांव गांव में जाकर के लड़ाई लड़े थे, हम लोग देखते थे कि जेठ की दोपहरी में भी उनके द्वारा जगह जगह कार्यक्रम होते थे, आंदोलन होते थे, अपने कार्यक्रम चलते थे, और आपने देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने एक एक उस अन्याय से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए किस स्तर पर जाकर के कार्य करते थे। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपके सामने एक संस्मरण भी रखा कैसे श्री राम सूरज सिंह जो एक इंजीनियर थे और उन्हें जल निगम के एमडी के पद तक पहुंचाने में किस प्रकार की भूमिका इन लोगों की रही, उस बात को लेकर के जो बातें यहां पर दी। यह व्यक्ति के अंदर अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, किसी भी उस प्रकार की पाखंड और अराजकता के खिलाफ लड़ने का जो एक तमन्ना उसकी होती है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ा था, उस लड़ाई को आज श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी बखूबी एक नई धार देते हुए आगे बढ़ा रही है और केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों में प्रतिनिधित्व करते हुए अपना दल एस के माध्यम से उन्होंने सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा पूरा सहयोग है, हम पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं।